Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. It's Glorious World. मैं रीना. So in this video, I'll be share with you Indian festive makeup look, specially for Durga Puja and Navratri. इस वीडियो के साथ एक ही लुक पे आप किस तरीके से दुर्गा पूजा और नवरात्रि के लिए दोनों के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो. तो फिलहाल जो ये वाला लुक है वो नवरात्रि के लिए काफी सही है और इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आप दुर्गा पूजा के लिए भी रेडी हो सकते हो इसी सेम मेकअप लुक में. तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज 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 इतना सा काम करना है आपको, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर भी करना. मुझे पता है मैं इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और अब तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, बट डोंट वरी, अष्टमी तक तो आप तक पहुँच ही जाएगी. माता जी पहुँचा देना. वैसे इस बार की नवरात्रि हर बार की तरह नहीं है, मतलब हर फेस्टिवल नहीं है, लेकिन नवरात्रि में मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि सारे फेस्टिवल गए, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन और भी जितने थे सब आके गए. ठीक है, सब आराम से मैंने सेलिब्रेट किया, हम सब ने सेलिब्रेट किया, लेकिन जो नवरात्रि है एक ऐसा फेस्टिवल है ना, आप बिना क्राउड के इसे सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते हो. आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा शायद, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ और सोच सकते होंगे यार गुजरात में मतलब नवरात्रि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है. हर स्टेट में मनाया जाता है नवरात्रि, लेकिन गुजरात में थोड़ा स्पेशल है नवरात्रि को लेकर, उसकी मान्यता जो होती है थोड़ी अलग है. मैंने नवरात्रि खेलना शुरू किया बचपन से, तब से आज तक मेरी लाइफ में कभी ऐसा नवरात्रि नहीं आया कि मैं नवरात्रि खेलने नहीं गई होंगी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है. पर ठीक है, कोई नहीं. अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो बहुत ही अच्छा है. नॉइस पॉल्यूशन बहुत कम होगा, जो हमारे बर्ड्स है, एनिमल्स है, इनको थोड़ी कम डिस्टर्बेंस होगी, जो कि अच्छा नहीं होता एनवायरमेंट के लिए. चलो इस बार सब कुछ एनवायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, पर आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें अपने थोड़े शौक, थोड़े अरमान हैं, थोड़े नहीं, अरमान तो बढ़ते जाते हैं, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है. खैर छोड़ो, और मैंने अपने आप को समझा लिया है कि ओके गाइज, कम टू द पॉइंट, मेकअप पे आते हैं. बहुत बकवास कर लिया. मेकअप राइट नाउ आई एम बियर फेस, मैंने अपने फेस को पूरे तरीके से क्लीन कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द आई मेकअप. तो आई मेकअप के लिए पहले मैं ये टेप लगाऊंगी. पहले मैं अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करूंगी. तो कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी कंसीलर इन द शेड 03. ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे सेट कर लूंगी. जब भी आप आई मेकअप करें और ऐसा हो कि हैवी आई मेकअप कर रहे हैं तो हमेशा कंसीलर लगाने की बात करें. कंसीलर से आपके जो आई शेडो का जो कलर होता है वो थोड़ा ज़्यादा खिल के आता है बहुत अच्छे से. मैं यूज़ करूँगी ये आईब्रो ब्रश जो हम आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल पैरिस का आईब्रो पैलेट. उसमें से सब मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ. मैं आईब्रो ब्रश से अपना आईब्रो आई मेकअप करने वाली हूँ. इस तरीके से आपको पहले आईलाइनर की तरह लाइन बनाना है. फिर मैं वापस ले रही हूँ. एंड मैं क्या करूंगी, ये जो अब वापस कोई शेड नहीं लेने वाली, अब इसी शेड से मैं अंदर के साइड इस शेड को लगाऊंगी इस तरीके से.
तरीके से ये स्मोक आउट होगा और अगेन आई डू द सेम स्टेप इसी प्लेस पे वापस मैं थोड़ा लगा रही हूँ। सो नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग दिस निका के ऑटम स्पाइस आई शेडो पैलेट, उसमें से मैं ये डार्केस्ट शेड लूंगी जो इससे थोड़ा सा डार्क है। पॉइंटेड फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूंगी, जहां से स्मोक आउट खत्म हुआ है वहां से मैं इसे अप्लाई करना शुरू कर रही हूँ और इनवर्ड डायरेक्शन में इसे लेकर आऊंगी अपने आई लिड के, बस थोड़ा सा लेंगे। नाउ आई एम टेकिंग दिस येलो शेड, बहुत ही एकदम थोड़ा सा, नॉट टू मच डस्ट ऑफ एक्सेस। फिर हम लेंगे ये लाइटेस्ट शेड जो इससे थोड़ा सा लाइट था, फिर हम इनर कॉर्नर पे इसे अप्लाई करेंगे। आई एम टेकिंग दिस फ्लफी ब्रश, जो भी कलर है उसे थोड़ा ब्लेंड आउट करूंगी कि हार्श लाइन नहीं दिखे बिल्कुल भी। नाउ आई एम टेकिंग दिस प्लम नेचुरल स्टूडियो काजल, मैं इसी सेम काजल को अपने लोअर वाटर लाइन पे और अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी। काजल लगाने से आपकी आंखें थोड़ी ज्यादा ओपन लगने लगती है, बड़ी लगने लगती है, और मतलब इंडियन मेकअप लुक में आंखें हमेशा बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसे रिमूव करूंगी, इसे यहाँ से थोड़ा सा अपने वाटर लाइन के काजल से टच करूंगी। सब लोअर लैश लाइन के लिए मैं फ्लैट फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, ब्राउन शेड और इन दोनों शेड को मिक्स करके अप्लाई करूंगी। And for the mascara, I'm using this Bella Watse High Definition Mascara. मस्कारा लगाने के लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मस्कारा लगाती हूँ या ऊपर लग जाएगा मस्कारा या नीचे लग जाएगा, तो बहुत ध्यान से बहुत हल्के हल्के हाथ से लगाती हूँ मस्कारा। लुक यहाँ लग गया ना, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि हर किसी के साथ होता है। आईब्रो के लिए मैं सेम पैलेट ले रही हूँ, आईब्रो पैलेट, और पहले मैं अपने आईब्रोज को ब्रश कर लूंगी। मैं डार्क ब्राउन और बहुत ही थोड़ा सा ब्लैक कलर भी लूंगी। अब फ्रंट से मैं अपने गैप फिल करूंगी। देन अगेन ब्रश करूंगी मैं अपने आईब्रोज को। सेम चीजें मैं यहाँ पर कर आती हूँ, बस मैंने ये वाला आई मेकअप भी डन कर लिया है और आई लैशेज भी लगा लिया ऑफ कैमरा, तो जो आई मेकअप लुक है फिनिश होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो नाउ कम टू द फेस, और मैंने कभी भी अगर आपके साथ कोई भी मेकअप लुक शेयर किया तो उसमें हमेशा मैं अपना स्किन केयर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेकअप कभी डायरेक्ट मैंने नहीं लगाया होगा, अगर आपने देखा होगा मेरे सारे मेकअप लुक तो मैं हमेशा जो अपने स्किन केयर में जो प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ उसमें से कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेके और मेकअप से पहले लगाती हूँ। और बहुत ज़रूरी है अपने स्किन को प्रेप करना, मॉइस्चराइज करना, एक अच्छी खासी लेयर बनी होनी चाहिए आपकी स्किन और आपके मेकअप प्रोडक्ट के बीच में, अदरवाइज आपका स्किन काफ़ी हार्म हो जाएगा आप जब डायरेक्ट अगर मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी टोनर मामा अर्थ विटामिन सी फेस टोनर विद विटामिन सी एंड क्यूकम्बर। इसे थोड़ा थोड़ा लेके अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसे मसाज करके और 2 मिनट का गैप ले लूंगी। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी स्किन में जो टोनर है वो जा चुका है। अब मैं यूज करूंगी मामा अर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक। स
सीरम का अप्लाई करने के कुछ देर बाद ही मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। जब आप स्किन केयर प्रोडक्ट लगाए तो उसको थोड़ा सा गैप दे दे अपने मेकअप प्रोडक्ट लगाने से पहले। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फेस मेकअप। फेस मेकअप के लिए सबसे पहले अप्लाई करूंगी प्राइमर। आई एम्स्टरडैम का प्राइमर है ये। अपने उंगलियों से थोड़ा सा ऐसे रब करके फिर अपने यूजुअल एरियाज पे जहां आपको आपके पोर्स ओपन होते हैं जैसे कि ये एरिया है, फिर इसे अप्लाई करके फिर पूरे फेस पे स्प्रेड कर दे इस तरीके से। प्राइमर दो काम करता है, पहली चीज आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड दूसरी आपके एरिया में जहां आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग है या कुछ ऐसा तो उसे थोड़ा मैटिफाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जब मैंने सीरम लगाया था थोड़ा सा इसमें शाइन था, ग्लो था फेस पे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैटिफाई हो चुका है। अब हम फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। मेरा शेड 128 है और वार्म न्यूड। फाउंडेशन के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर जो मैंने अपने आईलिड पे लगाया था, सेम कंसीलर। मैं अपने इसे अंडर आई में लगाऊंगी। कंसीलर आपने फेस के अकॉर्डिंग लगाया। मुझे ऐसा लगता है मेरा जो फेस है इस एरिया पे बहुत जल्द डार्क हो जाता है मेकअप हटने से पहले, तो मैं इसे कंसीलर से हमेशा थोड़ा सा ब्राइटन अप करने की कोशिश करती हूँ। जो कंसीलर से थोड़ा मेरा जो फेस है बाकी एरिया है उससे ये सारा जो एरिया जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो। कंसीलर अप्लाई होने के बाद मैं यूज करूंगी कॉन्टोर। तो कॉन्टोर के लिए मैं कोई अलग से पैलेट नहीं ले रही हूँ, मैं इसी सेम आई शेडो पैलेट में से ये ब्राउन शेड लूंगी एज अ कॉन्टोर। ये फ्लैट ब्रश लेकर इस शेड को जहां मुझे कॉन्टोर करना है वहां मैं इसे अप्लाई करूंगी। कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। कॉन्टोर या फिर आप ब्रॉन्जिंग करते हैं उसे अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ब्लेंड करें। ब्लश के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लश। इसका शेड 503 डायमंड ब्लश ऑन। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। ब्लश हमेशा स्माइल करते वक्त अप्लाई करो, स्माइल करके फिर अप्लाई करो, उससे आपका एप्पल ऑफ चीक है जो बहुत अच्छे से जब स्माइल करते हैं तो बहुत अच्छे से खुलकर आता है। स्माइल एंड अप्लाई। ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया इसे। सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस स्पंज जो मैंने पूरा ब्लेंड किया था, इसमें थोड़ा बहुत फाउंडेशन कंसीलर लगा रहता है जिसे थोड़ा सा लाइट हो, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लश मतलब बहुत दिखे ऐसा ब्लश नहीं पसंद, तो मैं इसे थोड़ा डैप डैप करते हुए थोड़ा कम कर लूँगी। आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट। वापस बहुत ही थोड़ा लूंगी और फिर डैब डैब कर दूंगी एकदम एक्सेस प्रोडक्ट। कभी भी अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि ब्लश बहुत ज्यादा हो गया या कॉन्टोर बहुत ज्यादा हो गया है तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके आप इसे कवर कर सकते हो। अब मैं यूज करूंगी सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड। थोड़ा शेक करके और थोड़ा ज्यादा दूरी बना के फिर आप सेट करें, थोड़ा सा हवा दे दो जो आपका मेकअप है वो सेट हो जाए, फिर सेम ब्यूटी ब्लेंडर से लेके थोड़ा डैब डैब कर लो। इससे आपका जो मेकअप है वो सेट हो जाता है एक जगह रहने के लिए, और मेकअप सेटिंग स्प्रे का यही काम है आपके मेकअप प्रोडक्ट को सेट कर दे, जहाँ भी आपने लगाया है उसे वहीं रखे। सो द लास्ट स्टेप इज लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए दो लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ, वेट एंड वाइल्ड का न्यूडेस्ट
पीच शेड है ये, और ये है डार्लिंग इजाबेल का शेड नंबर 7। बहुत ही प्यारा शेड है रेड का, ये एकदम टमाटर जैसा लाल। पूरे इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं वेयर कर रही हूँ ज्वेलरी, ये एक सेट है पूरा। अब सोच रहे होंगे ना इतना प्यारा ज्वेलरी सेट कहाँ से लिया, तो ये मैंने मीशो से लिया है, और अगर इसका कोड मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज बहुत प्यारे प्यारे हैं मीशो पर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करना, चेक करना, शायद आपको पसंद आ जाए कुछ। तो मैंने अभी रिसेंटली में ये परचेज किया, इसके इयररिंग मुझे बहुत पसंद आए, और इयररिंग बहुत लाइट वेट है, और जो नेक पीस है थोड़ा सा हैवी है, और अच्छा लग रहा है काफ़ी इसे वेयर करने पे। पूरे लुक को मेरे एकदम नवरात्रि वाइब आ रही है मुझे इसे वेयर करने के बाद, मुझे बहुत पसंद आया ये ज्वेलरी पीस। बाल के लिए कुछ खास नहीं करने वाली, बहुत सिंपल सा बन बनाऊंगी और वो मैं ऑफ कैमरा बनाऊंगी। नवरात्रि में मैं हमेशा अपने बाल को बन में ही रखती हूँ, कोई खास हेयर स्टाइल नहीं करती, क्योंकि नवरात्रि खेलते वक्त बाल बहुत मुँह पे आते हैं, तो अगर आप बन बना ले तो आप काफ़ी कंफर्टेबल खेल सकते हैं। और दूसरी बात, आपने जो ज्वेलरी पहनी होती है बालों की वजह से ढक जाते हैं, तो जब आप इसे इसे बन बना लेते हैं तो हर चीज़ काफ़ी अच्छे से दिखता है आपके चेहरे पे, आपकी ज्वेलरी, इयररिंग, जो भी आपने पहनी हुई है उस टाइम पर। सो द लास्ट थिंग इज बिंदी, बिंदी के बिना इनकम्प्लीट है ये लुक मेरा। सो या गाइज, हियर इज द फाइनल लुक फॉर द नवरात्रि और एंड दुर्गा पूजा के लिए मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ अपने मेकअप लुक में। वेट अ सेकेंड, या गाइज, आई एम रेडी फॉर द दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो मैंने नवरात्रि में ऑक्सीडाइज सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी थी उसे हटाकर मैंने गोल्डन कलर के इयर रिंग्स, पर्ल वर्क किए हुए इयर रिंग्स मैंने वेयर किए हैं, और ये नेक पीस जो थोड़ा मल्टी कलर में भी है और इसमें मोती भी हैं छोटी छोटी, और ब्लैक बिंदी की जगह मैंने रेड बिंदी लगा ली है। सो हियर इज अ लुक फॉर द दुर्गा पूजा, और आपने नवरात्रि को तो देखा ही होगा इसके पहले, तो मुझे कमेंट करके बताना कौन सा आपको लुक अच्छा लगा। वैसे तो कुछ खास डिफरेंस है नहीं, बस ज्वेलरी ही मैंने बदली है। लोगों का टेस्ट अलग होता है सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और गोल्डन को लेके, कोई कोई सिल्वर बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई गोल्डन बहुत पसंद करता है, मुझे तो दोनों पसंद है तो मैंने दोनों लिए। सो ये वाली इयर रिंग्स जो है ये सेट है मांग टीका के साथ, तो इसका ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से खरीदा था। मैं आपको इसका अगर लिंक मुझे मिला तो मैं जिसका भी मुझे लिंक मिलेगा मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, और मेकअप प्रोडक्ट के भी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो, ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक कर दो इस वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना। कोई भी फेस्टिवल है अगर आप बाहर जाके नहीं मना पाते हो तो घर में तैयार होकर सज संवर के फोटोज खींच के अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, दिल को बहुत सुकून मिलेगा, सच में बहुत सुकून मिलेगा जैसे मुझे मिल रहा है। अब तक मैंने नहीं डाला है लेकिन मैं जरूर डाल दूंगी। और एक और चीज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो स्टार्ट कर दो ना फॉलो करना, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मैं यहाँ डाल दूंगी स्क्रीन पे, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, तो मुझे स्टार्ट कर फॉलो करना। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सी यू इन द नेक्स्ट वन।